हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना बीएड कोर्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम सीटों की बात करें तो गवर्नमेंट सीटें आपकी इतनी है और एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं, यानी किसी एक गवर्नमेंट सीट पे आपको 1000 से भी ज्यादा बच्चे मिल जाएंगे। तो ऐसे में आप अपनी गवर्नमेंट सीट कैसे फिक्स करेंगे, कितने मार्क्स आपको कंटेन करने पड़ेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे तैयारी करनी है, क्या डाउट्स है, सभी चीजें आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया जाएगा। तो हम फोकस करते हैं आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो फर्स्ट पेपर की हम बात करते हैं। फर्स्ट पेपर भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट वन और पार्ट टू, यानी सेक्शन वन सेक्शन टू। सेक्शन वन में आपका आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है, माइनस मार्किंग भी होती है। तो ये सोच के मत चलिएगा कि माइनस मार्किंग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना है। लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था तब क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों को ये लगा कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो उन्होंने सभी क्वेश्चंस में टिक लगा दिया था, सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे, जो आ रहे थे वो भी, जो नहीं आ रहे थे वो भी। ऐसे में क्या होता है, जो क्वेश्चन आप सही करके आए हैं वो गलत करने के चक्कर में, गलत क्वेश्चन के चक्कर में उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में होती है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं। तो जनरल नॉलेज की बात करें तो 100 मार्क्स आपके होते हैं, और इसी तरह लैंग्वेज की बात करें तो वो भी 100 मार्क्स का होता है, यानी 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन का होता है। अब आपको इसमें कितने मैक्सिमम नंबर कंटेन करने पड़ेंगे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आप साइड में देख भी रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल का जो कट ऑफ होगा वो कितना जाएगा। तो अगर आप जनरल नॉलेज में मैक्सिमम 68 to 70 मार्क्स कंटेन कर लेते हैं, और लैंग्वेज में आप 62 to 70 मार्क्स इसमें भी कंटेन कर लेते हैं, यानी ओवरऑल अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो अगर आप 200 में से 150 नंबर कंटेन कर लेते हैं या उससे ज्यादा कंटेन कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है वो बहुत ही मार्क्स कंटेनिंग सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें डेफिनेट टॉपिक होते हैं और उसी टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, बहुत हार्ड नहीं होता। अगर आप जनरल नॉलेज पे फोकस करते हैं कि हम जनरल नॉलेज से मार्क्स कंटेन कर लें ज्यादा से ज्यादा, तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप में आपको जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। हिस्ट्री भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाती है, पॉलिटिक्स भी आ जाती है, साथ में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए जनरल नॉलेज में मार्क्स कंटेन करना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज में इतना टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करते हैं। पार्ट टू की बात करें, यानी पेपर टू की बात करें, तो पेपर टू भी हमारा 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि रीजनिंग, पहला पार्ट होता है रीजनिंग का, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, यानी कि आप किस स्ट्रीम से हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा, साइंस स्ट्रीम से है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें भी जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आप अच्छे से मार्क्स कंटेन कर सकते हैं। अगर आपने रीजनिंग में अगर देखा जाएगा इस, तो आप 100 में से 85 तक मार्क्स कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा भी दिमाग अगर आपने लगाया, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप आसानी से 90-95 मार्क्स कंटेन कर सकते हैं 100 में से। अगर आपने फर्स्ट पार्ट में मार्क्स कंटेन कर लिए तो आपको सेकेंड पार्ट में उससे हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड पार्ट में मार्क्स कंटेन करना थोड़ा टफ होता है, सारा कंबाइंड होता है उसमें। अगर सेकेंड पार्ट में अगर देखा जाए तो अगर 60 नंबर भी आप कंटेन कर लेते हैं, यानी 100 में से 60 कंटेन कर लिया, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीजनिंग में आपने 90 नंबर कंटेन कर लिए, तो आपके कितने हो जाएंगे, 150 मार्क्स कंटेन हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल आपका जो जाएगा मार्क्स
तो वो आपका 300 एबो चला जाएगा। अगर आपने ओवरऑल 300 एबो मार्क्स कंटेन कर लिए अपने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना फिक्स है जनरल वालों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ जनरल वालों की ही जाती है। और आप में से जो भी एप्लीकेंट जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आ सकते हैं, जो बनवा सकते हैं, वो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। आपको 10% की छूट मिल जाती है, और 10% बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ हमने, यहाँ जो कट ऑफ दी हुई है वो मिनिमम टू मिनिमम दी हुई है, और मैंने आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताया है कि आप कितना मैक्सिमम कंटेन कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, जो इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ दी हुई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है कैटेगरी वाइज। जनरल की बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है, 400 मार्क्स होते हैं टोटल, उसमें अगर आप 341, 351 यानी 300 से अबव ही मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे जनरल वालों के लिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट सीट पाना आसान बात नहीं है। ओबीसी के लिए भी ऐसे ही है, और सबसे कम एससी एसटी वालों के लिए होता है। एससी एसटी वालों को बहुत फायदा है, ये आराम से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा भी इन्होंने अगर मेहनत कर लिया। आप सिर्फ दो ही सेक्शन पे मेहनत कर लो, अगर पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज में फोकस कर लो, पेपर टू में रीजनिंग में फोकस कर लो, और थोड़ा बहुत बस फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट पढ़ लो, बस हो गया, आपका निकल जाना है आराम से। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी पब्लिकेशन की आप क्वेश्चन पेपर की बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद अगर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, साथ ही साथ जो आपके प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं वो सॉल्व कर लीजिए। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम दीजिए, आपका गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है, आपको मिल जाना है। स्पेशल बैकग्राउंड, अगर हम ईडब्ल्यूएस ये देखिए, ईडब्ल्यूएस में कितना फायदा है, 319 यानी कि अगर 300 से 320 के बीच में आप मार्क्स कंटेन कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन यही अगर हम जनरल वालों की बात करें जो ईडब्ल्यूएस के बिना है, यानी बिना ईडब्ल्यूएस वाले के, तो उनके लिए 341 351 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आपको 20 नंबर की छूट मिल रही है। इसका मतलब ईडब्ल्यूएस वालों को काफी ज्यादा फायदे होते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, तो इसलिए अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। ये सारी मैंने कैटेगरी वाइज आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे कट ऑफ है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की, डिटेल में मैंने डिस्कस कर दी है। अब आप एक अंदाजा एक्सपेक्टेशन रख ही सकते हैं, अपने आप से खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। जनरल वाले ये सोच के रखे कि उनको 300 नंबर से ज्यादा ही लाना है 400 में, और ये तभी पॉसिबल है जब वो फर्स्ट पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकेंड में अच्छे से मार्क्स कंटेन कर पाएंगे, तभी आपका ये बैलेंस बन पाएगा। अदरवाइज कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज्यादा हाई है, और उसके बाद स्कॉलरशिप कभी नहीं आती है। ये सिर्फ एक अफवाह है कि स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में आ जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप आ जाती है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल वालों के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप नहीं आती है, बल्कि एससी एसटी ओबीसी वालों की आ जाती है। तो इस तरह मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मार्क्स कंटेन करने हैं, यानी कट ऑफ क्या होगी वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी, अब आपको कैसे वो मार्क्स कंटेन करने हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मैंने टॉपिक वाइज डिस्कशन भी किया हुआ है, वो सभी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू।